विराम किया। यजुर्वेद संहिता यहाँ से हमने प्रारंभ की थी और आज इन्हीं की कृपा से, महाराज जी के कृपा से, आशीर्वाद से हमें जो सब कुछ प्राप्त हो रहा है सब महाराज जी के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। रुद्रपुर वाले महाराज जी की ही कृपा से हम यहाँ आए थे और यहाँ पर हमने वेद पढ़ा था। सब महाराज जी की कृपा है, रुद्रपुर वाले महाराज जी के ही द्वारा हमें आए और यहीं से ही हमारा उद्धार हुआ है। देख सकते हैं आप बढ़िया ये बिहार घाट, आप सुंदर सा दिव्य सा भव्य सा बिहार घाट का दर्शन कर रहे हैं। बिहार घाट में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है, यहाँ पर वेद विद्यालय है, ये पूरा वेद विद्यालय है। यहाँ पर हम वेद अध्ययन करने के लिए आए थे। महाराज जी ने हमें रुद्रपुर से भेजा था, जब हम प्रारंभ में ही स्टार्टिंग में जब महाराज जी के पास आए थे तो महाराज जी ने सबसे पहले हमें शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ बिहार घाट में ही भेजा था। ये वही स्थान है यहाँ पर महाराज जी ने हमें भेजा था, बिहार घाट शिक्षा दीक्षा के लिए। आज मैं 12-13 साल के बाद यहाँ पहुँचा हूँ, तो यहाँ का सुंदर सा आपको व्यू दिखा रहा हूँ। उस समय तो फोन वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे, यहाँ पर लाइट भी उस समय नहीं होती थी। तो दोस्तों आपको यहाँ बिहार घाट के विषय में बताऊँ तो यहाँ के विषय में कुछ बताऊँ तो ये हमारा यहाँ पर जो था हमारा क्षेत्र था, यह हैंडपम्प है, अब लगा उस समय पर तो नहीं था, अब लगा होगा। यहाँ पर हमारा भोजन भंडारे का कार्यक्रम होता था, भोजन भंडारा, जितने विद्यार्थी यहाँ पर रहते थे तो सारे विद्यार्थियों का भोजन इधर बनता था। अब तो यहाँ पर थोड़ा बंद हो चुका है, तो यहाँ पर सब भोजन भंडारे की व्यवस्था होती थी। और हम पहले तो मैं वहाँ रहता था, उधर आगे रहता था, तो उसके बाद हम फिर बाद में जब 1-1.5 साल के बाद हम इधर आ गए थे, उस समय हम इधर भी रहे, इधर क्षेत्र में भी रहे, इसी का नाम क्षेत्र है, आप लोग जाता हो मत करिएगा, इसी का नाम क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र क्षेत्र के नाम से जानते थे। और इसकी छत पर हम खूब आनंद के लेते थे, ऊपर छत पर, यहाँ आगे से रास्ता ऊपर छत में जाने का। और ये हैं यहाँ के छोटे छोटे विद्यार्थी सब, ये सब विद्यार्थी हम भी उस समय ऐसे ही खेला करते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, तो इन विद्यार्थियों की तरह यहाँ पर खूब खेला कूदा करते थे। ये हैं यहाँ के छोटे 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 सारे विद्यार्थी। ये वेद विद्यालय है, यहाँ पर सिर्फ वेद पढ़ाया जाता है, वेद विद्यालय। जिस तरीके से बच्चे लोग रह रहे ना, ऐसे ही हम भी रहा करते थे, खूब खेला करते थे, कूदा करते थे, यहाँ पर खूब शैतानियाँ किया करते थे। वही पुराने दिन, आज 15-20 साल के बाद यह दोबारा आया है, क्योंकि 2003-04 में आए थे हम यहाँ पर पढ़ने के लिए, 3-4 में हम 4 में छोड़ के चले गए थे, यहाँ से 4-5 में छोड़ के चले गए थे, 4 लास्ट 5 में छोड़ के चले गए थे। तो वही सारी पुरानी यादें दोबारा उभर के आई है आज। हमने कहा चलो महाराज जी के साथ सौभाग्य मिला बिहार घाट घूमने का, वेद विद्यालय में घूमने का। भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा कमरा कौन सा था यहाँ पर और किस कमरे में रहते थे हम। ये समय यहाँ का सुंदर सा व्यू, तो पूरा हमारा वेद विद्यालय और इस मंदिर का मैं पुजारी हुआ करता था। विद्यालय में विद्यार्थियों का नंबर लगता था पूजा करने का, तो इस शिवालय का मैं पुजारी हुआ करता था। अंदर आपको दर्शन कराऊं यहाँ के, तो सुंदर सा दर्शन कराऊंगा। यह है शिवालय, इस महादेव इधर महादेव जी की पूजा मैं करता था, जो शाम को भोग में लगाता था, सुबह पूजा मैं करता था यहाँ पे महादेव जी की। अगर महादेव, महादेव की कृपा से ही आज मेरा सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, सब महादेव की कृपा ही है। ये बिहार घाट शिव मंदिर है, ऐसे शिव मंदिर यहाँ बहुत सारे हैं, शिव मंदिर पर इस मंदिर का पुजारी मैं था, यहाँ का भोग मैं ही लगाया करता था और मैं ही यहाँ पर पूजा किया करता था, सुबह अभिषेक किया करता था यहाँ पर नित्य। विद्यार्थी रोज प्रातःकालीन, आज भी शायद वही नियम होगा, प्रातःकालीन 4:30-5 बजे गंगा लहरी होती है, फिर सारे विद्यार्थी गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद संध्या वंदन इत्यादि का कार्यक्रम होता है। तो वही सब आपको दर्शन करा दिए हैं महादेव के, जहाँ पर मैं खुद पूजा करता था। और ये मेरा रूम था, आपको अपना रूम दिखाऊँ तो यहाँ पर अभी तो बंद हो गया, ताला वाला लग गया है। इस रूम पर मैं रहता था, मेरा रूम था, बंद है, ताला लगा हुआ है। और
अब यहाँ पर और विद्यार्थी सारे रहते हैं इस तरीके के। यहाँ पता इसके बगल में हमारे मेरठ से दीपक भाई थे। दीपक भाई को अगर याद हो तो मेरी वीडियो देखेंगे तो कुछ याद आएगा। यहाँ पर दीपक भाई रहा करते थे और ये वाले कमरे में तो दोस्तों फाइनली मैं गंगा जी के पास पहुंच चुका हूं। यह है हमारे गंगा जी का तट, राजघाट का सुंदर सा भव्य सा दिव्य सा, देख सकते हैं आप सब लोग। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। पुष्ट
कृष्णमे विभुजमे प्रभुजमे पूर्णञ्चमे पूर्णतरञ्चमे कुयावञ्चमे चित्तञ्चमे नञ्चमे चुच्चमे जिगियेतकलपन्तामा चमे भक्तञ्चमे सुगञ्चमे सुपथियञ्चम चमर्दिश्चमे क्लेप्तञ्चमे क्लेरुक्तिश्चमे मातिश्चमे सुमतिश्चमे यज्ञेन कलपन्तम् जवाश्च मे भाकाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे त्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णावश्च मे भाकाश्च मे नेवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे येन कलपन्तम् मृत्तिका च मे गिराश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे हिरण्यं दोस्तों महाराज जी की फाइनली पूजा हो गई है, देख सकते हैं आप महाराज जी की पूजा वगैरह अपनी संपन्न कर ली है। हो चुका है महाराज जी का और ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है दूध का। फिर उसके बाद भी अब कुछ समय के बाद यहाँ से अपना सामान उठाएंगे और अपने आश्रम रुद्रपुर की तरफ प्रवास करेंगे महादेव। शंकराचार्य जी महाराज की जय। ये है हमारे विष्णु आश्रम जी महाराज। बैठ जाओ एक साइड में, नीचे बैठो।